खबर पलवल से, जहां केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि अध्यादेश देश के अन्नदाता को सशक्त, आत्मनिर्भर और किसानों की आय को दोगुना करने में कारगर साबित होंगे। बीजेपी सरकार ने कृषि अध्यादेश बिल पारित कर किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एनडीए की सरकार ने किसान हित में कई फैसले लिए, जिसमें किसान सम्मान निधि योजना, हेल्थ कार्ड जारी करना, सिंचाई के लिए खेतों तक पानी पहुंचाना, देश भर में 10,000 FPO खोलना, इसके अलावा MSP को बढ़ाने का कार्य भी मोदी सरकार ने किया है। किसान हितैषी कौन है? किसानों की चिंता करने वाला कौन है? क्या कोई ऐसी सरकार हो सकती है जो इस देश के 50 करोड़ किसानों को नाराज करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकती है? और मोदी जी का तो एक ही सपना है कि हमने इस देश के किसान को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी आय को दुगनी कर दी है। कृष्णपाल गुर्जर ने गांधी परिवार पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि सोनिया गांधी कोई न कोई भ्रम फैलाकर अपने अयोग्य पुत्र को देश की राजगद्दी पर बिठाना चाहती हैं। जैसे धर्मराज अपने नालायक बेटे को राजगद्दी पर बैठाना चाहता था, वैसे ही सोनिया गांधी अपने अयोग्य बेटे को कोई ना कोई भ्रम फैलाकर राजगद्दी पर बैठाना चाहती।